पाकिस्तान ने तीसरे दिन भी सीजफायर का उल्लंघन किया है। इस वक्त खबर मिल रही है अर्निया सेक्टर से, जहां पर पाकिस्तान ने रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फायरिंग की है। बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के अर्निया सेक्टर में एक बार फिर से सीमा पार से फायरिंग होने की खबर मिल रही है और बीएसएफ को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक रुक रुक कर फायरिंग हुई है। एक बार फिर से लगातार तीसरे दिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से। हाल ही में जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ था तो उसमें एक जवान शहीद भी हुआ था और अब फिर से खबर मिल रही है कि अर्निया सेक्टर में रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक फायरिंग हुई है सीमा पार से। अजय जांडियाल से बात करते हैं। अजय, तीसरा दिन है लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, इस वक्त क्या वहां से खबर मिल रही है? जो फायरिंग हुई है सीमा पार से, क्या उसमें कोई जख्मी भी हुआ है? जी, आपको बता दूं कि जो फायरिंग है वो तीसरे दिन भी जारी रही है। कल रात को भी जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा जो है ये बताया गया कि ये फायरिंग हुई है। बाद में बीएसएफ ने भी इसे कंफर्म किया। कल रात को लगभग 11 बजे जो है वो हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से रिया का जो इलाका पड़ता है, खासतौर पर पित्तल पोस्ट और पिंडी पोस्ट का इलाका है, इन इलाकों में जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है वो काफी फायरिंग की गई और मोर्टार शेल तक दागे गए, जिससे काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं उस एरिया के लोग। और लोगों को साफ तौर से हिदायतें दी गई हैं कि वो अपने बचाव के लिए घरों के अंदर रहें, ताकि जैसे 4 लोग पहले जख्मी हुए हैं इस इलाके में पाकिस्तान फायरिंग में, और कोई नुकसान ना होने पाए। और इसी चीज को लेकर बीएसएफ ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं रिटेलिएशन किया है, जवाबी कार्रवाई की है। मगर इस वक्त भी काफी चिंता बनी हुई है इस इलाके में, काफी की तनाव है, क्योंकि फायरिंग पाकिस्तान जो है रुक रुक से बार बार कर रहा है। बिल्कुल, बार बार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। लगातार तीसरे दिन भी ऐसी ही घटना हुई है। रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक अर्निया सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग हुई है, ये अजय हमें बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।